हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ओसीडी की पुरानी यादों से बाहर किस तरीके से निकलें, ओसीडी की जो पुरानी धारणाएं हैं उनको छोड़ करके वर्तमान में किस तरीके से आएं, वर्तमान में आ करके अब के अंदर हमें जीना है। पिछले कुछ वीडियोस में मैं अब के ऊपर बातें कर रहा हूँ कि प्रेजेंट में रहिए, अब में रहिए, इसी क्षण में रहिए और इसी क्षण में रहते हुए अपने आप को महसूस करें, अपने वर्तमान के पल को महसूस करें। आज के इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना है। और यदि अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि ऐसी और भी बहुत सारी वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। आज का वीडियो हम शुरू करते हैं और जानते हैं कि ओसीडी में पुरानी यादों से बाहर किस तरीके से हमें निकलना होगा। ओसीडी के अंदर क्या होती है कि हमारी पुरानी धारणाएं, पुरानी यादें हमें बार बार परेशान करती है, बार बार प्रताड़ित करती है। तो ये जो पुरानी धारणाएं हैं, पुरानी बातें हैं, पुराने जो विचार हैं, यह हमें बार बार परेशान करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि उन्हें अपने स्मृति पटल पर लेकर के आते हैं और उन्हें अपने आप को परेशान करने देते हैं। यदि हम उन्हें अपने आप को परेशान न करने दें तो इससे हमें बहुत सारी राहत मिलती रहती है। अब ओसीडी के अंदर बहुत बार देखा गया है कि लोग क्या करते हैं कि एक स्थान पर बैठे रहेंगे और पुराने दिनों के बारे में सोचते रहेंगे कि उस समय मैं ऐसा था, ये करता था, वो करता था, मैं ऐसे कर दिया करता था, ये हो गया, वो हो गया, यदि ये प्रॉब्लम मेरे साथ ना हुई होती तो ऐसी सिचुएशन नहीं होती। ये सारी चीज़ें बार बार सोचते रहते हैं और जितना ज़्यादा वह इसको सोचेंगे उतने ज़्यादा वह अपनी पुरानी यादों को अपने वर्तमान क्षण में एक्टिव करते रहते हैं। और जितना ज़्यादा वर्तमान क्षण में अपनी पुरानी अतीत की यादों को एक्टिव करते हैं उतनी ज़्यादा उन्हें परेशानी होती है, क्योंकि उनका जो प्रेजेंट में बिहेवियर है वह डिस्टर्ब हो जाता है। वर्तमान क्षण में वह रह नहीं पाते, अपने आप को वह महसूस नहीं कर पाते और अपने कॉन्फिडेंस को पूरा डाउन गिरवा देते हैं। तो इस तरीके से उन्हें इसके अंदर प्रॉब्लम आती रहती है। तो समझना इसके अंदर यह है कि आपको क्या करना है कि अपने वर्तमान के अंदर जीना है, वर्तमान के अंदर रहना है, अब को महसूस करना है। पिछले वीडियोस में भी मैं इसके ऊपर बात कर चुका हूँ कि आपको वर्तमान के क्षण के अंदर रहना है, कहीं इधर उधर भागना नहीं है, कहीं इधर उधर के ज़्यादा प्रयास नहीं करना है। वर्तमान क्षण में रहते हुए अपने अब को महसूस करना है, प्रेजेंट में जीना है, अपने आप को महसूस करना है, अपने आप के लिए खुशियों का अनुभव करना है। यह चीज़ आपने अपने इस शेड्यूल में शामिल करनी है। और अतीत की यादों से जितना हो सकता है आप दूर रहें, जितना हो सकता है आप दूर रहोगे उतने ज़्यादा आपको इसमें राहत मिलेगी। जितना ज़्यादा आप इन विचारों के अंदर, इन आदतों के अंदर, उन घटनाओं के अंदर, उन स्मृतियों के अंदर डूबते जाओगे उतने ज़्यादा आप अपने कॉन्फिडेंस को निचले स्तर पर गिराते जाओगे। और जितना आपका कॉन्फिडेंस नीचे गिरेगा उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आपको आगे इसमें होती रहेगी। तो इसके अंदर ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि आपको अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है और वर्तमान क्षण में जीना है, न कि अतीत में, क्योंकि अतीत की यादें हमें डीमोटिवेट कर रही है। वह यहाँ हमारा किसी के साथ कंपेयर कर रही है कि पहले ऐसा था, अब ऐसा है, उस सिचुएशन की वजह से ये हुआ, ये नहीं हुआ होता तो ये हो जाता, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो ये हो सकता था, उसकी वजह से मुझे ये परेशानी हुई। क्योंकि अतीत के साथ आप अपना ताना बाना बुन करके बैठे हुए हो, तो आपने ये जो आपके ऊपर लिमिटेशन लगी है, ये जो बहाने लगे हैं, यह जो आरोप लगे हैं ऐसे, इनको हटाना है वहाँ से और वर्तमान के क्षण में आपने जीना है। जितना वर्तमान के क्षण में आप जीते जाओगे उतनी ज़्यादा आपको इसके अंदर राहत मिलती रहेगी। आई होप वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वीडियो काफ़ी अच्छा है। इसके अंदर मैंने छोटे से पहलू को उजागर किया है, परंतु बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह पहलू है। यदि आप इसे समझ लेते हो तो आपको जीवन भर कोई भी परेशानी नहीं होती है और आपका जीवन 100% बिल्कुल अच्छा हो जाता है। तो आज की जो जानकारी है इसे आपने मात्र सुनना नहीं है, इसे प्रयोग में भी लाना है और प्रयोग में लाने के बाद में इसके अंदर आपको 100% रिजल्ट मिलेगा।
मेरी इन वीडियोस के माध्यम से मेरा यह कोशिश रहता है कि जितना हो सकता है मैं मोटिवेशन आप लोगों के लिए प्रस्तुत करूं, क्योंकि बहुत सारे लोग इन वीडियोस के माध्यम से अपना उपचार कर रहे हैं, तो यह वीडियो उनके लिए रामबाण है। यदि उनको छोटी थोड़ी बहुत भी कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो यह वीडियोज़ उनके लिए सहारा बनती है। तो इन वीडियोस में बताई गई टेक्निक्स को आपने अप्लाई करना है, न कि केवल सुन करके छोड़ देना है। यदि आप इन्हें अप्लाई करते हो तो 100% आपको इसके अंदर रिजल्ट मिलता है। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।